डॉन 3 अनाउंस हो चुकी है। यही नहीं, उसका पोस्टर भी जारी हो चुका है जिसमें ये साफ हो गया कि शाहरुख नहीं बल्कि रणवीर सिंह हैं फरहान अख्तर के अगले डॉन। लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शाहरुख खान अब डॉन नहीं बनेंगे। तो एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने ये कहा कि मैं कौन होता हूँ किसी को रिप्लेस करने वाला या किसी को लेने या नहीं लेने वाला। कुछ क्रिएटिव डिफरेंस थे जिसपे सहमति नहीं बनी, हमने कई सालों तक इस पर चर्चा की लेकिन आपसी सहमति नहीं बनने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन फरहान की बातों से ये भी लगा कि रणवीर को लेकर के वे बेहद एक्साइटेड हैं। उनका कहना था ये फिल्म पूरी तरह से एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और रणवीर की एनर्जी गजब है, ये हमें और भी ज्यादा एनर्जेटिक बना रही है। यानी कि अब रणवीर होंगे फरहान के अगले डॉन। लेकिन लोगों को ये मलाल है कि शाहरुख क्यों नहीं, क्योंकि डॉन के किरदार में अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी ने सफलता हासिल की तो वो थे शाहरुख खान। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि शाहरुख नहीं होंगे फरहान अख्तर के डॉन। और ये भी साफ हो चुका है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से शाहरुख खान ने इतने बड़े प्रोजेक्ट से नाता तोड़ लिया है।